हादसा हो गया जहां करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। सभी ट्रॉली पर सवार होकर लोग पहले घाट जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरने वालों में 5 सुल्तानपुर गांव के जबकि 4 नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ बढ़ई टोला के रहने वाले थे। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सभी कांवरिया डीजे ट्रॉली पर सवार होकर पहले घाट के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से घटना यहाँ घटी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो डीजे ट्रॉली है वो वहां से गुजर रही थी और वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाती है जिससे वो चिपक जाती है, और इसके बाद बताया जाता है कि अचानक डीजे ट्रॉली में आग लग जाती है। और जानकारी के मुताबिक 11 लोग इस पर सवार थे जिनमें से 9 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। 2 व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ग्रामीण भी काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग लापरवाही बरत रहा है और इसी लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। और जिन घरों में ये मौत हुई है उनके परिजन चीख पुकार कर रहे हैं। और हम आपको एक एक करके मृतकों के नाम भी बता रहे हैं। अमोद कुमार जिनकी मौत हो गई है, इसे बताया जा रहा है कि करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हुई है। और एक एक करके हम आपको उन कांवरियों के नाम भी बताते हैं जिनकी इस घटना में मौत हो गई है। और इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नाम की अगर हम बात करें तो अमरेश कुमार जो इसके शिकार हो गए, इस हादसे की चपेट में आ गए। रवि कुमार जिनकी मौत हुई है, बताया जा रहा है राजा कुमार भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। नवीन कुमार की भी मौत हो गई है। यहाँ से कॉल गया कि आपका बेटा का करंट लग गया, तो हम लोग दौड़ के आए, देखे कि वो मरा हुआ है। कहाँ पे मतलब कहाँ जा रहा था? जा रहा था हरिनाथ। हम लोग का तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था। यहाँ पे ट्रॉली जा रहा था, यहाँ पे हरिनाथ के लिए निकला था यहाँ से ट्रॉली। यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे घर से निकले, निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी चाहते हुए भी नहीं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो डीजे ट्रॉली है देखिए, जिस पर सवार होकर ये सभी जो कांवरिया है वो पहलेजा घाट के लिए निकले थे। पहलेजा घाट पर पहुंचने वाले थे लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। औद्योगिक थाना क्षेत्र में जैसे ही ये ट्रॉली पहुंचती है, हाई टेंशन तार की चपेट में ये ट्रॉली आ जाती है और उसके बाद ट्रॉली के अंदर आग लग जाती है। अब वैशाली में करंट लगने से 9 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। प्रशासन की ओर से हादसे में मृत लोगों के परिजनों को सदर अस्पताल में देर रात मुआवजे की राशि का चेक दे दिया गया। बिजली विभाग की ओर से सभी 9 मृतक के परिवार के सदस्य को एसडीएम ने 4,4 लाख रुपए का चेक सौंपा है। एसडीएम ने कहा कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 9 कांवरियों की झुलसने से मौत हो गई थी। 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सभी को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दे दी गई है। कोई दुखद घटना हुई है, सुल्तानपुर गांव है, वहाँ पे 11,000 विद्युत प्रवाह के संपर्क होने से एक घटना घटनी चाहिए। लोगों का डिमांड था कुछ कार्रवाई के लिए विभाग के जो कर्मी जो लापरवाही जिन्होंने बरती उन पर। कुछ लोगों का कहना है कि हमने बार बार कॉल किया, नीचे के कोई बिजली मिस्त्री है उनको, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, हमने वो तस्वीरें भी देखी और 9 लोगों की कांवरियों की जो मौत है वो हो गई है, मुआवजे की राशि जरूर दे दी गई, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से कांवरिया की जान गई है? जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी जो है वो तय करनी होगी कि आखिर बिजली विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है या फिर जो प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी इसको देखने की है
क्योंकि बड़े पैमाने पे सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कांवरियों का जत्था जो निकलता है, डीजे और ट्रॉली जो है वो तो लंबे लंबे डीजे ट्रॉली लगाए जाते हैं, उसका कोई मापक और पैमाना जो है उसका तय नहीं किया गया है। हर बार ये होता है कि प्रशासन की तरफ से ये आदेश जरूर जारी कर दिया जाता है कि डीजे बजाने पर रोक रहेगी और इस तरह के प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन धरातल पर वो देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको भी तय करे कि इसका पैमाना क्या होना चाहिए, मापक क्या होना चाहिए, कितने हाइट तक आप उसको ले जा सकते हैं। और बिजली विभाग की भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो लोगों ने आरोप लगाया है स्पष्ट तौर पे है कि फोन करने पे जब समय आता है समय पे फोन करने पे जो बिजली विभाग के कर्मचारी है वो फोन रिसीव नहीं करते हैं, रिसीवर उठा के रख देते हैं। ग्रामीणों ने कल देर रात भी इसी बात को लेकर हंगामा किया था कि जो दो कर्मी वहाँ पे तैनात थे पावर ग्रिड में, जिन्हें फोन किया गया था कि आप फोन कट कीजिए जिससे कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उन कर्मियों ने फोन रिसीव नहीं किया समय पे जिसके कारण है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने यह दावा जरूर किया है कि जो दोषी कर्मचारी हैं उनकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे जिनकी ड्यूटी उस समय थी उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला जो है ये प्रशासन से लेकर और बिजली विभाग तक पूरा जुड़ा हुआ है और इन लोगों को कहीं ना कहीं ये तय करना होगा कि जिम्मेवारी किसकी बनती है। आखिर प्रशासन है उसको उसका भी ये काम है, देखना ये काम है कि जो डीजे ट्रॉली चल रहे हैं, जो कांवरियों का जत्था निकल रहा है, उनकी सुरक्षा कैसे हो, वो उसका पैमाना क्या बने। बिल्कुल प्रफुल्ल, अगर जल्दी से आप ये भी अपडेट बता दें, जिनकी मौत हुई है मृतकों के नाम तो हम बता रहे हैं, आप जरा ये अपडेट बताएं कि ये क्या एक ही जगह के सभी रहने वाले थे और जो दो लोग घायल बताए जा रहे हैं जो झुलसे हुए हैं उनकी क्या हालत है अभी? जी देखिए जो घायल हुए हैं इसमें टोटल ये बताया जा रहा है ट्रॉली पे करीब 11 से 12 लोग थे जिसमें से 9 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति जो है पहले से बेहतर बताई जा रही है, उनके हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन 9 लोग जिनकी मौत हुई है वो सुल्तानपुर गांव के, 5 लोग सुल्तानपुर गांव के थे और पास कहीं बगल के एक जड़ुआ बढ़ई टोला मोहल्ला गांव है वहां के 4 लोग जो थे और इस आसपास के लोग मिलके जो है वो जत्था जो है रात में निकलने वाला था, लेकिन 11 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें लोगों की जान चली गई। कई ऐसे परिवार भी हैं, उसमें एक लड़का ऐसा भी है जिसके घर में उसके पिता भी नहीं है और अकेली माँ है और उस लड़के की मौत हो गई है, काफी दर्दनाक। और इन परिजन जो है उनके बीच में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों को सांत्वना देने का जो काम है वो प्रशासन ने जरूर किया है, लेकिन वो जो दर्द जो मिला है, जो ये हादसा हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और जिम्मेवारी तय करनी होगी कि आखिर इतनी बड़ी हादसे के जिम्मेवार कौन लोग हैं और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आवश्यक सूचना, श्रद्धालु ध्यान दें, जलाभिषेक के लिए निकलने वाले लोग डीजे लेकर नहीं निकले, श्रद्धालु अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, कांवर यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ऐसा कर ना सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। न्यूज 18 सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि सुरक्षित और संयमित कांवर यात्रा निकालें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता दें, सोन